वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये वीडियो मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया है जिनके ऊपर कोई भी आई शेडो कलर क्रिएट करने जाते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या करें एंड कौन से कलर्स उनके आंखों पर खिल के दिखेंगे। इसको आप देखिए कि ये वाला जो आई शेडो है ये कोई भी स्किन टोन के ऊपर, चाहे वो डस्की हो, गोरे हो, काले हो, कोई भी स्किन टोन के ऊपर चला जाएगा एंड कोई भी आउटफिट के साथ भी आप कैजुअली भी वेयर कर सकते हो एंड वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ भी वेयर कर सकते हो। साड़ीज एंड जैसे पार्टी ओकेजन टाइप में जाना है उसके लिए तो द बेस्ट है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड देखते हैं कि मैंने ये वाला लुक कैसे क्रिएट किया। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू दिस वीडियो। मेकअप को और ज़्यादा प्रो दिखाने के लिए ना मॉइस्चराइजेशन करना मेकअप के पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये स्टेप आपको एक अलग ही लेवल पे ले जाएगा मेकअप को। यहाँ पर मैं क्लॉसिव काजल ले रही हूँ एंड एक छोटे से ब्रश से मैं अपने आईब्रोज को प्रोसीड करूँगी, सबसे पहले ड्रॉ करूँगी। आप ये वाला स्टेप ना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, नेचुरल लगता है एंड यहाँ पर स्पूल की मदद से मैं काजल को अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ। काजल से ना एक अलग ही लुक आता है आपके आईब्रो पे और ज़्यादा नेचुरल लगता है। अब यहाँ पर मैंने फाउंडेशन से अच्छे से जो एजेस हैं उनको शार्प किया है ताकि आईब्रोज मेरे और ज़्यादा डिफाइंड लग सके एंड ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से ताकि एजेस ना दिख सके। ये काफ़ी अच्छा स्टेप है, आप इसको करके देखना, आपके आईब्रोज जो है ना HD डिफाइंड लगेंगे जैसे मेरे दिख रहे हैं। अब यहाँ पर मैं पिगमेंटेशन के लिए अंडर आई एरिया पे LA Girl का प्रो कंसीलर यूज़ कर रही हूँ एंड अच्छे से जहाँ जहाँ पर भी मेरे फेस पे पिगमेंटेशन है वहाँ मैं अप्लाई करके ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी। यहाँ पर मैंने फाउंडेशन के लिए MAC और FitMe का फाउंडेशन दोनों लिया एंड अपने स्किन टोन से मैच करके ये वाला एक शेड बनाया है। अच्छे से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ मेरे पूरे फेस पर एंड नोज़ को कॉन्टोर करने के लिए मैं यहाँ पर स्विस ब्यूटी का जो पैलेट होता है कॉन्टोर पैलेट उससे मैंने डार्क शेड लिया, सबसे ज़्यादा जो डार्क शेड होता है उसको, एंड नोज़ को अच्छे से मैं कॉन्टोर कर रही हूँ, शेप दे रही हूँ एंड हाईलाइट भी उसी पैलेट के जो लाइट कलर्स है उन्हीं से कर रही हूँ। आप चाहे तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो बट ये स्टेप से आपका मेकअप और ज़्यादा HD लगता है। यहाँ पर मैंने मैलियो का सेटिंग पाउडर होता है उसे सेट किया, पाउडर्ड कॉन्टोर किया है मैंने यहाँ पर एंड ब्लश भी किया है थोड़ा सा। ब्लश आजकल मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हो थोड़ा सा पिंकी पिंकी ग्लो आया है। आई शेडो के लिए सबसे लाइट वाला पिंक आई शेडो क्रीज किया, देन डार्क वाला पिंक लगाया, उसके ऊपर फिर पर्पल कलर लगाया, आप देख ही सकते हो। एंड यहाँ पर मैंने मिडल सेक्शन में लाइट पिंक किया है एंड एकदम इनर कॉर्नर पे मैंने ऑरेंज कलर लिया है, ये वाला ऑरेंज कलर मैंने लिया है। तो यहाँ पर मैंने लाइट पिंक, डार्क पिंक, पर्पल एंड ऑरेंज ये कलर्स का ही यूज़ किया है, आप देख ही सकते हो। एंड ये सारे कलर्स ना बहुत अच्छे एक साथ कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। ये वाला स्टेप आपकी मर्जी, आप कर सकते हो अगर आपको स्ट्रोकी वाला आई शेडो लुक चाहिए तो। एंड इनर कॉर्नर्स पे भी मैंने वही कलर्स को ब्लेंड किया है, पर्पल, देन मिडल सेक्शन में पिंक एंड इनर कॉर्नर पे ऑरेंज, इन तीनों का यूज़ किया है। एंड आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मैंने कोई भी फाउंडेशन, फिटमी का फाउंडेशन लिया था यहाँ पर मैंने एंड मैं यहाँ पर अपने क्रीज बना रही हूँ अपने आई शेप के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको भी अपने आई शेप के अकॉर्डिंग ही क्रीजेस को बनाना है, कोई रॉकेट साइंस का काम नहीं है। इसको सेट करने के लिए फाउंडेशन को मैंने पहले एक लाइट पिंक कलर से प्रेस किया, देन मिडल सेक्शन में मैं फिर से वही ऑरेंज कलर ले रही हूँ, ऑरेंज के बाद अब यहाँ पर मैंने हॉट पिंक कलर एंड यहाँ पर एकदम लास्ट में मैं पर्पल कलर ले रही हूँ एंड थोड़ा सा ना पर्पल के ऊपर मैंने ब्राउन कलर भी किया था, इससे और ज़्यादा डार्क लग रहा था वो एरिया। तो आप देख ही सकते हो कि मैंने लास्ट का जो स्ट्रोक जैसे लगाया है उसी स्ट्रोक के अनुसार मैंने क्रीज पे भी वैसे ही लेंथ के अकॉर्डिंग किया है ताकि आई लुक जो है वो काफ़ी सिस्टमैटिक लग सके। अब मैं इसके ऊपर लाइट पिंक कलर का ग्लिटर लगा रही हूँ, आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो बट ग्लिटर लगाने से ना एक अलग ही लेवल पर चला जाता है आपका मेकअप लुक, आई मेकअप लुक। एंड इस ब्रश की मदद से मैं अच्छे से उसको स्ट्रोकी प्रोवाइड कर रही हूँ ग्लिटर्स को भी।
आपको कोई भी काम आधा अधूरा नहीं छोड़ना है। यहाँ पर मैंने लैक्मे का लाइनर लिया है एंड यहाँ पर मैं अपने आई मेकअप के अकॉर्डिंग ही लाइनर को लगा रही हूँ। आप देख ही सकते हो कि स्ट्रोक के ऊपर लगाया है। यहाँ पर मैंने मैलियो का मस्कारा लिया है, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा मुझे बट कोई ऑप्शन नहीं था इसीलिए। यहाँ पर मैंने मिस क्लेरी का हाइलाइटर पैलेट यूज़ किया है, सिल्वर शेड में था ये। आई थिंक थोड़ा गोल्डन में रहता तो और ज़्यादा अच्छा लगता बट कोई बात नहीं। जहाँ जहाँ पर आपको फेस को पॉपी दिखाना है एंड हाँ, इनर कॉर्नर्स पे आई के बिल्कुल मत भूलना, इससे मेकअप अपडेटेड लगता है। अब यहाँ पर लिप्स के लिए मैंने यहाँ पर डार्क कलर का लिप लाइनर आउटर लिप पे अप्लाई किया एंड अंदर पे मैंने ऑरेंज कलर के लिपस्टिक को अप्लाई किया है। इन दोनों का शेड ना बहुत अच्छा होता है एक दूसरे के साथ, ना आप डेली वेयर पे भी यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा उसको मर्ज कर दीजिएगा लिप लाइनर से ताकि वो अच्छा दिख सके एंड मैंने यहाँ पर लिप ग्लॉस लगाया ताकि और ज़्यादा अच्छा दिख सके। एंड यहाँ पर मैंने होम मेड डी आई वाई इयर रिंग्स जो मैंने बनाए थे उन्हीं को पहन लिया एंड माई लुक इज़ रेडी।